कहा था कि दो दिन के बाद हम मसला करेंगे हल, मगर अभी तक कोई भी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि जो जहाँ के हैं वो सीनियर नेता, उनको बोले इसकी टिकट जो कैंसिल की जाए। नहीं तो ये तो हारा ही हुआ है, हमें बहुत अफसोस है इस चीज का। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या करें, हमारे पास और तो कोई है नहीं सिस्टम, इसलिए हम चाहते हैं इस कैंडिडेट को अभी रद्द किया जाए। आज हमारे संभ क्षेत्र के लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही किया गया तो हम लोकसभा की इलेक्शन में भी वोट नहीं डालेंगे। अस इंसाफ चाहते हैं, एक कैंडिडेट चेंज किया जा, अजीत शर्मा कैंडिडेट चेंज किया जा, नहीं ना बीजेपी पार्टी ने खनियाजा पुछना मोना दोनों सीटें का, अखनूर और शंबाली का। आज आप देख रहे हैं हमारे संभ क्षेत्र के बहुत लोगों का जमकट्ठा हुआ था, जहां पे काफी लोगों ने रोष प्रकट किया, काफी लोगों में गुस्सा है। आज लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे को लोकल प्रत्याशी चाहिए। हम लोग संभ क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारे संभ क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही किया गया तो हम लोकसभा की इलेक्शन में भी वोट नहीं डालेंगे। आप चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो जिनको चार चार पाँच पाँच दस दस साल हो गया घूमते, वो हमारे बीच में काम कर रहे थे, सभी लोगों के काम करते हो, और उनको ही यहाँ का प्रत्याशी। नारा माद्रा सिटी पब्लिक सेक्रेटरी, हमने एक दिन प्रदर्शन किया था कार्यालय जम्मू, पार्टी ने कहा था कि दो दिन के बाद हम मसला करेंगे हल, मगर अभी तक कोई भी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि जो जहाँ के हाँ वो सीनियर नेता, उनको बोले इसकी टिकट जो कैंसिल की जाए, नहीं तो ये तो हारा ही हुआ है, हमें बहुत अफसोस है इस चीज का। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या करें, हमारे पास और तो कोई है नहीं सिस्टम, इसलिए हम चाहते हैं इस कैंडिडेट को अभी रद्द किया जाए। अजीत शर्मा को इसको हम नहीं चाहते हैं, हम चाहे हमारी दुनिया नहीं चाहती है। देखो जो इतना जान खिलाफ ऐसे थोड़ी कथा हो जाता है, इसके खिलाफ ही है सारा, इसलिए हम कहना चाहते हैं अभी इसकी टिकट कैंसिल की जाए। नहीं तो जो होगा वो होगा ही, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी मर्जी का कैंडिडेट नहीं आ गया तो हम इसको हरा देंगे। सर मेरा नाम प्रसंग लाल, बूथ प्रेजिडेंट मेरा मान रहे। और सर अस दो दिन पहले जम्मू गए थे और इन्हें दो दिन का आश्वासन दिता सानू, और सर इन्हें अज भी इनके कहने हाथ जोड़िए अपील करा रहे हैं कि जेकी अस कोई जगह अच्छा फैसला होना चाहिएगा, नहीं ना कि ये निर्णय भुगतना पौना, ये आखने अज भुगतना पौना, एक नहीं है दोनों सीटें हारनी पौनी है, ठीक है। जनता को दिखी रही है, जनता जिस हिसाब का जन सवाल दिखा तुम्हें, ये जनता है वोट है, ये टिकटें ने कुछ नहीं होना। सर अस इंसाफ चाहते हैं, एक कैंडिडेट चेंज किया जा, अजीत शर्मा कैंडिडेट चेंज किया जा, नहीं ना बीजेपी पार्टी ने आखने अजा भुगतना पौना दोनों सीटें का, अखनूर और शंबाली का। था कि दो दिन के बाद हम मसला करेंगे हल, मगर अभी तक कोई भी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि जो जहाँ के हैं वो सीनियर नेता, उनको बोले इसकी टिकट जो कैंसिल की जाए।
ये तो हारा ही हुआ है, हमें भी बहुत अफसोस है इस चीज का। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या करें, हमारे पास और तो कोई है नहीं सिस्टम, इसलिए हम चाहते हैं इस कैंडिडेट को अभी रद्द किया जाए। आज हमारे संभ क्षेत्र के लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही किया गया तो हम लोकसभा की इलेक्शन में भी वोट नहीं डालेंगे। अस इंसाफ चाहते हैं, एक कैंडिडेट चेंज किया जा, राजीव शर्मा कैंडिडेट चेंज किया जा, नहीं ना बीजेपी पार्टी ने अखने जा पुछना मोड़ा दोनों सीटें का, अखनूर और शंबाली का। आज आप देख रहे हैं हमारे संभ क्षेत्र के बहुत लोगों का जमकट्ठा हुआ था, जहां पे काफी लोगों ने रोष प्रकट किया, काफी लोगों में गुस्सा है। आज सब लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे को लोकल प्रत्याशी चाहिए। हम लोग संभ क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारे संभ क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही किया गया तो हम लोकसभा की इलेक्शन में भी वोट नहीं डालेंगे। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो जिनको चार चार पाँच पाँच दस दस साल हो गया घूमते, वो हमारे बीच में काम कर रहे थे, सभी लोगों के काम करते हो, और उनको ही यहाँ का प्रत्याशी। नारा माधरा सिटी पब्लिक सेक्रेटरी, हमने एक दिन प्रदर्शन किया था कार्यालय जम्मू, पार्टी ने कहा था कि दो दिन के बाद हम मसला करेंगे हल, मगर अभी तक कोई भी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि जो जहाँ के हाँ वो सीनियर नेता उनको बोले इसकी टिकट जो कैंसिल की जाए, नहीं तो ये तो हारा ही हुआ है, हमें बहुत अफसोस है इस चीज का। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या करें, हमारे पास और तो कोई है नहीं सिस्टम, इसलिए हम चाहते हैं इस कैंडिडेट को अभी रद्द किया जाए। अजीत शर्मा को इसको हम नहीं चाहते हैं, हम क्या है हमारी दुनिया नहीं चाहती है। देखो जो इतना जल खिलाफ ऐसे थोड़ी कथा हो जाता है, इसके खिलाफ ही है सर, इसलिए हम कहना चाहते हैं अभी इसकी टिकट कैंसिल की जाए, नहीं तो जो होगा वो होगा ही, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी मर्जी का कैंडिडेट नहीं आ गया तो हम इसको हरा देंगे। सर मेरा नाम तरसेम लाल, बूथ प्रेजिडेंट मेरा मान रहा। और सर अस दो दिन पहले जम्मू गए थे और इन्हें दो दिन का आश्वासन दिता सानू, और सर इन्हें अज भी इनके कहने हाथ जोड़िए अपील करा रहे हैं कि जेकी असें कोई जगह अच्छा फैसला होना चाहिए, नहीं ना कि ये निर्णय भुगतना पौना, ये आखने अज भुगतना पौना, एक नहीं दोनों सीटें हारनी पौनी इन्हें, ठीक है। जनता को दिखी रही है, जनता जिस हिसाब का जन सवाल दिखा तुम्हें, एक जनता है वोट है, ये टिकटें इन्हें कुछ नहीं होना सर। अस इंसाफ चाहते हैं, एक कैंडिडेट चेंज किया जा, राजीव शर्मा कैंडिडेट चेंज किया जा, नहीं ना बीजेपी पार्टी ने आखने अजा भुगतना पौना दोनों सीटें का, अखनूर और शंबाली का।